सबकी लाइफ में ऐसा एक दिन आता है जब सब कुछ चेंज हो जाता है, और वो दिन आ गया था 29 दिसंबर 2014, मूड इंडिगो। हमारे लिए मूड इंडिगो जितना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कंपटीशन जीतने के बाद हमें हमारे नाम से जाना जाता। ये कंपटीशन जीत गए तो सब कुछ पा लिया, हार गए तो सब खो दिया। हम लोग बहुत बार हार चुके हैं, अगर ये इवेंट भी हार जाता तो हम लोग के होप्स कम्प्लीटली टूट जाते। हमने उस दिन जो किया वो लोगों के लिए भले एक डांस परफॉर्मेंस होगा, पर असलियत में वो हमारी मेहनत, हमारा स्ट्रगल, हमारी पूरी जर्नी थी। इसलिए हर मेंबर ने उतनी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ परफॉर्म किया, और वो रिजल्ट वाला मोमेंट। एंड द विनर इज डायनामिक डांस क्रू। ये इवेंट हम लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये इवेंट जीतने के बाद मेरी और मेरी क्रू की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। वो अकेला इवेंट है जिससे जीत कर पूरी लाइफ चेंज हो गई है। पीपल जानने लगे बहुत अच्छे तरह से, लाइक हम लोग कहीं पे भी जाते हैं लोग ऐसा बोलते हैं कि ये देखो मुड़ाई वाले, ये देखो डायनामिक। हम लोग के कॉस्ट्यूम से, हम लोग के डांस से, स्पेशली गाने से लोग पहचान लगे कि ये वही क्रू है मुड़ाई वाली। मेरे को अब तक याद है कि हम लोग एक दिन पहले टी शर्ट्स बना रहे थे सेलो टेप यूज करके। अब तक मुझे वो सब फील होता है कंपटीशन। रियल डायनामिक को पहचानने वाला वो एक ऐसे कंपटीशन हमारे लिए साबित हुआ है जहाँ से हमारा रियल टैलेंट पब्लिक को देखने मिला। और ये इवेंट जीतने के बाद हम लोग ने बैक टू बैक बहुत सारे कंपटीशन जीते। हर छोटे गांव में जाकर आए, कंपटीशंस किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक लग नहीं रहा था कि यार ऐसा कभी करेंगे। हर सिटी, हर टाउन में हम गए, वहाँ पर बहुत अलग अलग लोग मिले, अलग अलग क्रू से मिलने का मौके मिला। आई थिंक यू गाइस आर फैबुलस। थैंक यू सर। दिस लेवल ऑफ डांसिंग टुडे इज लाइक अ वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप फॉर मी, ट्रस्ट मी। सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, भले उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग हमेशा अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज ऐश डायनामिक क्रू में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा डीजीसी में ज्वाइन किया है। ये डायनामिक का सबका, हम लोग का बहुत सपोर्ट है। कभी भी वो हमारे बच्चे हैं और उसको जरूरत रहेगी कुछ भी ये रहेगा, हम सब बच्चे के लिए सब करेंगे। हम लोग ने जहाँ से शुरू किया था स्ट्रीट्स, हम लोग आज भी वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रीट्स पर, भाईंदर खाड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने अचीवमेंट्स ट्रॉफीज देखता हूँ, लेकिन सब लोग ने हम लोग का सक्सेस तो देख लिया, लेकिन किसी ने हमारा स्ट्रगल नहीं देखा। सब लोग ने हम लोग का सक्सेस तो देख लिया, लेकिन किसी ने हमारा स्ट्रगल नहीं देखा। में मैंने ड्रीम देखा था हिप हॉप ग्रुप फॉर्म करने का, तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स डांसर्स, नॉन डांसर्स के साथ एक ग्रुप फॉर्म किया, फॉर्मेट बी वॉइस। वो टाइम भी इतना कुछ सीन नहीं था डांस का, और जो एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल भी सीन नहीं है। 2009 से 2014 तक टोटल मेरे 3 ग्रुप टूट गए, फॉर्मेट बी वॉइस, डायनामिक सोल ग्रुप और डायनामिक डांस ग्रुप। डायनामिक डांस ग्रुप का भी रिबत हुआ था। 3 ग्रुप टूटने का रीज़न ये था कि सारे मेम्बर्स छोड़ के जा रहे थे, शायद वो लोग मुझे होपलेस समझते थे, उनको लगता था शायद स्वप्निल कुछ कर नहीं पाएगा। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट पड़ रहा था हर बार एक न्यू क्रू फॉर्म करने का, उनको ट्रेन करने का, एक लेवल पे जाके रखने का, फिर से क्रू टूट जाना, फिर से जीरो से स्टार्ट करना। सारे मेंबर्स मुझे छोड़ के जा रहे थे, शायद वो लोग अपनी जगह पर सही भी थे, क्योंकि बहुत सारे क्रूज हम लोग के आगे बढ़ गए थे। वो लोग बाकी सब क्रूज जो लोग ने हम लोग के साथ स्टार्ट किया
वो लोग को बहुत फेम मिल गया था, कमर्शियल हो गए थे, टेलीविज़न पे आ गए थे। तो मेरे मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग भी उस लेवल पे जाए, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोग ने गिव अप करके क्रू छोड़ दिया। 2014 मैं मानता हूँ मेरे लिए सबसे वर्स्ट ईयर था, क्योंकि 2009 से 2014 तक टोटल 5 साल हो गए थे। मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं कुछ लेवल पे चले जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि टोटल बराबर 5 साल वेस्ट हो गए थे। मेरे पेरेंट्स तो मेरे पीछे पड़ गए थे, अभी कुछ जॉब कर ले, कुछ होने वाला है नहीं। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को टॉन्ट मारना चालू हो गए थे। मेरे फ्रेंड्स तो लिटरली मेरे को बोलते थे कि तू अपना खुद का लाइफ तो स्पॉइल कर रहा है, साथ साथ अपने मेंबर्स का भी कर रहा है। 2012 में जो मैंने डायनेमिक डांस स्कूल बनाया था, वो 2014 में टूट तो गया था, लेकिन मेरे को बहुत सारे नए मेंबर्स मिल गए थे, तो मैंने उनके साथ फिर से नया स्टार्ट किया। उनको ट्रेन किया अच्छे से, बहुत सारी प्रैक्टिस की और बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए, लेकिन हम लोग कोई भी ऑडिशन क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, फर्स्ट राउंड में आउट हो जाते थे। इन 5 साल में सारे मेंबर्स मुझे छोड़ के गए, लेकिन जो नए मेंबर्स थे वो लोग मेरे साथ थे, वो लोग समझ रहे थे मैं क्या फेस कर रहा हूँ, क्या क्या मैंने फेस किया पास्ट में। उनकी एनर्जी मुझे हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स देती थी। मेरे मेंबर्स मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते और उतनी रिस्पेक्ट मैं उनकी करता, तो मैंने सोच लिया था इन्हीं मेंबर्स के लिए और थोड़ा हार्ड वर्क करके और थोड़ा एनर्जी डाल के कुछ करूँगा। और जो जो लोग ने मुझे बोला था कि कुछ कर नहीं पाएगा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, उनको कुछ करके दिखाना था। और मैं बहुत बार रोया भी था, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे ट्रस्ट था, एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ चेंज हो जाएगा। और शायद वो दिन आ गया था, 29 दिसंबर 2014, मूड इंडिगो। एंड द विनर इज डायनामिक डांस क्रू। तेरी वो रफ्तार हो। स्वप्निल एक ऐसा बंद है, मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा ऐसा कोई। उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको बोलना चाहूँगा, उसकी मेंटेलिटी बहुत कड़क है, क्योंकि जो वो सोचता है ना, वो उधर तक किसकी सोच पहुँच नहीं सकती, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी मेंटेलिटी है। स्वप्निल हम लोग को डांस लाइफ में ही नहीं, हम लोग की नॉर्मल लाइफ, हम लोग को उसमें भी गाइड करता है। He plays an important role in our life. मैंने उसका स्टार्टिंग से लेके अब तक साथ दिया है, क्योंकि मुझे उस पे बहुत ट्रस्ट है। स्वप्निल को मैं बोल रहा था कि अभी ये 5 साल हो गए हैं, अभी तुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी उसने ये प्रूव करके दिखाया कि अभी वो कुछ कर सकता है। आशाएं I'm sure.